हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आ रही है विप्रो, आईबीएम और डेलॉट की तरफ से। तो वन बाय वन हम तीनों जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर दिन में कम से कम दो तीन जॉब अपॉर्चुनिटी और किसी भी कंपनी से कोई भी अपडेट आती है कि एग्जाम को लेके या रिजल्ट को लेके या कोई भी किसी तरह की अपडेट आती है किसी भी एमएनसी कंपनी से, तो मैं ये वीडियो अपलोड जरूर करता हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन हम जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विप्रो की तरफ से। आपको पहले ही पता होगा मैंने विप्रो के बारे में पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, और ये है दूसरी अपॉर्चुनिटी है विप्रो, SIM वाला मैंने पहले कवर कर लिया है, वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, ये दिखा देता हूँ मैं। ये रही, ये डिफरेंट है और ये वाली डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो एलिजिबल है BBM, BBA, BCOM, जर्नल एंड अलाइंड ब्रांचेस, BA इकोनॉमिक्स और BSc इकोनॉमिक्स, BA साइकोलॉजी एंड BMS ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट आपके 2021 और 22 ही वाले। ठीक है, देन आपका यहां से आते हैं जो स्टाइफन मिलेगा, फर्स्ट ईयर ऑफ एकेडमिक 2.5 लाख, सेकेंड ईयर ऑफ एकेडमिक 3.5 लाख और थर्ड ईयर ऑफ एकेडमिक्स 5 लाख, और जो लोकेशन होने वाली बैंगलोर, कोची और चेन्नई की। और आपको बता दूं 3 ईयर कोर्स होता है जो भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऊपर क्या बोलते हैं वही कर लिया, और जो यहाँ पे ना 60% होने वाला है 10th और 12th स्टैंडर्ड में, और आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है वहां पर 60% होने यानी कि कम होने वाला है। ठीक है, और जो आपका प्रोसेस चलने वाला है, पहले ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो जो होगा 20 मिनट का ईच सेक्शन का। ठीक है, और जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन राउंड होगा 30 मिनट का। ठीक, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन और HR राउंड होने वाला है। ठीक है, और सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो 36 मंथ का है, और जिसमें अगर आप क्या बोलते हैं तोड़ते वगैरह हो तो आपको 1,40,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम गैप आपको 3 साल तक ये अलाउ करते हैं, और रेगुलर आपका कोई गैप के बाद ओपन बोर्ड से नहीं होनी चाहिए 10th और 12th। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें हैं, और हमने सारी चीजें वन बाय वन कवर कर ली। बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अप्लाई भी कर लेना रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके। ठीक है, देन आते हैं IBM की तरफ से जो आ रही है एसोसिएट टेक्निकल इंजीनियर की, और थोड़ा स्क्रोल डाउन करते हैं तो हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता लग गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, बी पार्ट ऑफ टीम टेक्निकल एक्सपर्ट मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू फैसिलिटेट द कस्टमर एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वॉइस सपोर्ट। ठीक है, मतलब वॉइस सपोर्ट की जॉब होने वाली है। तो और यहाँ पे जो चीजें आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, फंडामेंटल ऑफ सैन बैकअप एंड रिस्टोर टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ ZO एंड ऑपरेशन मॉनिटरिंग, देन बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट डेटाबेस, और आपको IT टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और विंडोज OS वगैरह की। ठीक है, और जो इसमें क्या कौन कौन एलिजिबल है, BTech, ME, MTech, BSc, MSc, BC, MSc और डिप्लोमा वाले, और टू पर्टिकुलर 22 बैच वाले, और कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और 65% और 6.5 CGPA वाले एलिजिबल है। देन हम आते हैं डेल के बारे में, ओके, डेलॉइट में। डेलॉइट में बिजनेस ऑपरेशन के बारे में जो जॉब होने वाली है, और ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया जो मैं आपको बताऊं, ना ही स्किल जो यहाँ पे देखो मेंशन की हुई है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड बीकॉम 2021-22 Tier 1 और Tier 2, सॉरी मतलब Tier 3 कोई चांस नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना। देन आते हैं हम यहाँ पे एनालिस्ट और डेवलपर की जॉब में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आनी चाहिए, आपको आना चाहिए HTML, ASP.NET, JavaScript, jQuery, CSS3, देन C#, Angular 4 और अबव, React, UIX, काफी कुछ मांगा हुआ, बेसिक ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी आप देख लेना वन बाय वन, क्योंकि काफी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है, और ये भी मेंशन किया हुआ है कौन कौन एलिजिबल है, BTech सर्कल ब्रांचेस मतलब CS, IT, CSE और MCA, MTech, 60% और 6.5 CGPA अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैंने आई थिंक सारा कुछ बता ही दिया, और जो आपकी शिफ्ट होने वाली है रात की होने वाली है, सुबह 11 से रात के 8 बजे तक। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।